हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हाय, हम आए थे नहाने के लिए, नहाने के लिए आए थे और ऐसे जा रहे थे सरदार सामेश्वर वाटरफॉल घूमने जा रहे हो क्या? हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहते हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं सोमेश्वर मंदिर, जो कि नासिक में है और गंगापुर रोड पर है, और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस समय हम अभी हैं, देख सकते हैं, बंदूक सर्कल पर। तो आज चलेंगे सोमेश्वर मंदिर, आपको दिखाएंगे, और वहाँ से थोड़ी दूरी पर सोमेश्वर वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल भी आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं, ये है सर्कल, बंदूक सर्कल नाम है यहाँ का। और बीच में देखिए सर्कल है, उसके अंदर एक बंदूक रखी हुई, इसलिए सर्कल का नाम है बंदूक सर्कल। और ये गंगापुर रोड है, देख सकते हैं यहीं से रोड जाता है। ये सामने जो रोड है CBS जाता है ठक्कर बाज़ार के लिए, और इस तरफ जाएंगे तो ये गंगापुर रोड है पूरा। और सोमेश्वर मंदिर हम लोग इसी तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। और इस तरफ देख सकते हैं सरकारी बैंक है, और यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑटो करके जा सकते हैं। और ये सर जी का ऑटो है, ये देखिए पूरा स्टैंड है, 3-4 ऑटो है। और बताइए सर जी, यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए आप लोग सवारी लेके जाते हैं? हर कहीं लेके जाते हैं, गोदावरी दर्शन वगैरह, पंचवटी दर्शन वगैरह, सब कुछ। तो कहीं भी आपको जाना है तो यहाँ से आप ऑटो करके जा सकते हैं, प्राइवेट करके भी जा सकते हैं, और ज़्यादा लोग हैं तो शेयरिंग से भी जा सकते हैं। सर जी का भी देखिए यहाँ पे ऑटो है। बराबर। और सोमेश्वर मंदिर जाने के लिए कितना दूरी यहाँ पे है? सोमेश्वर मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर, 3.5 से 4 किलोमीटर, 3.5 से 4 किलोमीटर है। अगर प्राइवेट से जाएंगे तो कितना लगेगा? 60 रुपीज़ लगेगा। 60 रुपये लगेगा, आप यहाँ से ऑटो करके जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑटो चालू हो गया है, और इनके सर जी के ऑटो पे चल रहे हैं, चलिए। और सोमेश्वर मंदिर के पास हम लोग को छोड़ेंगे, और ये शहीद चौक है ये, और बंदूक सर्कल भी नाम है और शहीद चौक भी नाम है। देख सकते हैं ऑटो में बैठ गए हैं, और हमारे साथ में सब्जी भी है। तो आपको सोमेश्वर मंदिर का दर्शन कराते हैं, जो कि शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे वाटरफॉल है, फिर वाटरफॉल में भी चलेंगे, वहाँ पे भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। गाइज, हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास में, और ये देख सकते हैं सामने बस स्टॉप है, और इधर सामने ही मेन गेट है मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ, सोमेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पे भी देखिए छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। तो हम लोग अंदर चलते हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं, गेट के अंदर आ चुके हैं, मंदिर के पास चलते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की गाड़ी है, गाड़ी लेके चलते हैं, तो उसका कुछ चार्ज है, आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं सोमेश्वर पार्किंग है यहाँ पे, और आपको पार्किंग का चार्ज देना पड़ेगा। देखिए सर जी का है ये। हेलो सर जी, क्या क्या चार्ज है बता दीजिए गाड़ी का? गाड़ी का 90 रुपये, टू व्हीलर का 5 रुपये, टू व्हीलर का 5 रुपये, फोर व्हीलर का 10 रुपये। हाँ, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बोर्ड में, आप देख सकते हैं, टू व्हीलर का 5 है, थ्री व्हीलर 10, फोर व्हीलर 10, और बस का 30 रुपये। तो अगर आप खुद की गाड़ी लेके आते हैं या बस लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ी आती है, आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं आगे, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और मंदिर के इस तरफ देख सकते हैं पूरा जंगल है, बहुत ही अच्छा पेड़ है यहाँ पे, पूरा सुंदर नज़ारा यहाँ का। और इस तरफ देख सकते हैं बीच में देखिए रोड बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, और ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे चल रही है। और ये देखिए बाबू को घूम रहे हैं मस्त। इस तरफ देख सकते हैं आपको जूस भी मिल जाएगा, और गन्ने का जूस ताज़ा ताज़ा मिल जाएगा, और होटल भी है नाश्ता करने के लिए। तो आपको नाश्ता करना है तो अभी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए ऊँट है, अगर आप आते हैं यहाँ पे सवारी करना चाहते हैं तो ऊँट की सवारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्या चार्ज है आपको पूछ के बताते हैं, कितना चार्ज है ऊँट की सवारी करने का? बच्चे का 30 है, बड़े का 60। तो बच्चे का सवारी करना है तो 30 रुपये लगेगा, और बड़ों का है 60 रुपये लगेगा।
तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेंड लोग हैं फोटोग्राफी करने के लिए, कैमरे के साथ में आ गए हैं। आप लोग घूमने आए हैं ऐसे? फोटो शूट करने आए, देख सकते हैं कैमरे लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी का डमरू है, कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे गजानन भी हैं और कमल का फूल भी है, बहुत ही सुंदर है बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन डमरू देख सकते हैं कितना ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बच्चे लोग जा रहे हैं घूम के मंदिर में से। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हाय वाटरफॉल घूमने जा रहे हो क्या? घूम क्या गए वाटरफॉल में? नदी में नहा के आए हम लोग। हाँ हाँ, फिर हमारे हमारा चैनल एक हमारा भी चैनल है, तुम अपने चैनल का नाम बताओ। डीके प्रजापति व्लॉग। पैसे मिलते हैं क्या आपको? तो इस तरफ आपको कुछ खरीदना है, माला खरीद सकते हैं और भी बच्चों के लिए भी खिलौने वो भी खरीद सकते हैं। और इस तरफ हम लोग चलते हैं अभी। और पानी पूरी का भी शॉप यहाँ पे है, आप पानी पूरी भी खा सकते हैं। तो मंदिर इस तरफ है, हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप निशाना लगा सकते हैं गुब्बारे में, बंदूक का खेल खेल सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पे। तो देखिए नारियल खरीदना है, पुल चढ़ाना है तो ले सकते हैं। देख सकते हैं सामने श्री राम जानकी मंदिर है और इस तरफ है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये देखिए सामने है सोमेश्वर महादेव मंदिर, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। अगर भीड़ होगी तो इसमें से लाइन लगा के जाना पड़ेगा, भीड़ कम है तो डायरेक्ट जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और इस तरफ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े झाड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे झाड़ बहुत सारे हैं तो गर्मी में भी आएंगे तो हवा चलेगी तो ठंडी लगेगी यहाँ पे। तो हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और चलते हैं दर्शन करते हैं। और उसके बाद में सामने एक नदी है तो नदी के पास भी चलेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे का है और 6 बजे का सुबह में आरती है और दोपहर 12 बजे से 9 बजे तक है और रात को 9:30 बजे मंदिर बंद होने का टाइम है। तो देख सकते हैं ये मंदिर है यहाँ पे और लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे ही बाजू में एक मंदिर है, इस तरफ एक मंदिर दो मंदिर है और इस तरफ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बजरंगबली हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। ओम ही हनुमते नमः, श्री राम दूताय नमः। तो हनुमान जी का ये देख सकते हैं। जय बजरंगबली, हर हर महादेव की जय हो। तो शिव जी का मंदिर दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पे पीछे हनुमान जी का भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में साइड में दो और मंदिर है, राम जानकी मंदिर है और श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अभी हमने श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दर्शन कर लिया है और आपको दूसरा मंदिर में लेके चलते हैं यहाँ पे दर्शन कराने। ये है श्री राम जानकी मंदिर। जय श्री राम। और यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, राम सीता लक्ष्मण। तो हमने यहाँ पे जो भी मंदिर थे छोटे छोटे वो सब आपको दिखाया। अभी यहाँ पे सामने एक नदी है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। और इस साइड में गणपति मंदिर है और तालाब है, नदी है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। बालाजी उधर, बालाजी पे जाओ, उधर है ना क्या बोलते हैं, अच्छा मंदिर और फ्रॉल क्या बोलते हैं उसको, ये झरना, झरना बड़ा झरना, बड़ा झरना वाटरफॉल जहाँ पे, तो आगे वाटरफॉल है वहाँ पे हम लोग चलेंगे। और ये भाई साहब आए हैं दर्शन करने, चलाओ इस तरफ हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हैं सोमेश्वर नौका बिहार का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे नाव चलती है, बोट चलती है, तो गोदावरी नदी है ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप बोट में बैठ सकते हैं और क्या उसका चार्ज है सब कुछ आपको बताएंगे हम। और यहाँ पे देखिए बच्चों को घूमने के लिए ये भी है, इसमें बच्चे लोग बैठ के बच्चों को घुमाते हैं। कितना टिकट है बच्चों का? एक बच्चे का 20 रुपये। तो एक बच्चे का 20 रुपये टिकट है और बैठ के रेलगाड़ी में घूम सकते हैं, देख सकते हैं उधर रेलगाड़ी है और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए घोड़ा चला रहे हैं, 20 रुपये टिकट है। तो इधर का दिखाते हैं आपको नौका बिहार। यहाँ पे सब लोग घूमने आए, घूमने आए ना आप लोग, बोटिंग किए कि नहीं? अच्छा मज़ा आया, तो बोटिंग करके देखिए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो वाल बोट का है 40 रुपये और शिकारा बोट का है फुल सीट 40 और स्कूटर बोट का है 70 रुपये। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गोदावरी नदी का नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है। बातचीत की, भाई भाई के अच्छे वीडियो रहते हैं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो
सामने बोटिंग चालू है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बोटिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा टिकट नहीं है, 40 रुपये है, और हाफ सीट है तो 20 रुपीज़। और स्कूटर से अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो उसका 20 रुपये चार्ज है। तो बहुत से लोग कभी से बोटिंग कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के। बहुत ही ठंडा मौसम है और अभी हम लोग चलने वाले हैं वाटरफॉल, और आपको वाटरफॉल वहाँ का दिखाएंगे। जैसे वो भी नहीं है, मतलब है बहुत ही नज़दीक है, 1.5-2 किलोमीटर होगा वाटरफॉल, देखने के लिए अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर आते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के वाटरफॉल भी देख के आ सकते हैं। तो बहुत ही वहाँ का सुंदर नज़ारा है। अगर तू वहाँ करती ना तो वहाँ पे तो मज़ा भी नहीं आता और ये वाली राइड नहीं कर पाती। एक कोमल चहा झाला तुझा? बाय बाय। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आए मंदिर पे, और गोदावरी नदी भी आपको दिखाए, और यहाँ पे घूम के बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।